नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी न्यूज। मैं अभी राजमहल क्षेत्र का दौरा करने आया हूं। अभी राजमहल लोकसभा चुनाव पूरा चरम पे है और झारखंड का यह एक ऐसा सीट है संथाल परगना के लिए, खासकर क्योंकि अभी सभी की निगाहें यहां पे आपका राजमहल लोकसभा पे टिकी हुई है, क्योंकि ये मुख्य रूप से ये ऐसा सीट है क्योंकि ये झारखंड में आपका जेएम झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के लिए हैट्रिक माना जा रहा है। हैट्रिक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अगर यहाँ से तीसरी बार लगातार जेएम यहाँ से सीट निकालती है तो उसके लिए हैट्रिक होगा, क्योंकि वो तीसरी बार लगातार जीत करेगी। अगर भाजपा यहाँ तीसरी बार हार जाती है तो उसके लिए भी हैट्रिक होगा। इसी कारण से दोनों पार्टी यहाँ पे उसको तोड़ने और जोड़ने में लगे हुए हैं। तो किसका कितना दमखम है, कौन कितना प्रत्याशी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, आज उसी का चर्चा करने के लिए हमारे साथ में भाजपा की किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव जी हैं। आज उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या तजुर्बा है और किस रूप में वो मेहनत कर रहे हैं और क्या लगता है उनको कि भाजपा के खेमे में राजमहल सीट आएगी या नहीं आएगी, उनसे हम जानेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, धन्यवाद। राजमहल सीट इस बार भाजपा का रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, जिस तरह से पूरे देश में मोदी जी के गारंटी पर लोगों का भरोसा हुआ है और जिस तरह से 10 वर्षों में जो महत्वपूर्ण निर्णय भाजपा की सरकार और नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा किया गया है, उससे लोगों में बहुत एक आशा और विश्वास जगा है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान पूरे विश्व में बना रहे हैं, भारत का पहचान बन रहा। साथ ही साथ यहाँ के जो क्षेत्र की समस्या थी या जो कहें कि देश के युवाओं के लिए या महिलाओं के लिए या कहें कि किसानों के लिए जो योजनाएं जो चलाए हैं खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी, उस पर लोगों का भरोसा बहुत बढ़ा है। चाहे आप जिस सेक्टर में ले लें, आप लोग समझने लगे हैं कि एक वोट का कीमत क्या है, कि एक वोट से जब 370 जैसे धारा की दीवार को ध्वस्त कर सकता है, एक वोट से 500 वर्षों का पुराना विवाद श्री राम मंदिर का और श्री राम मंदिर का विवाद समाप्त हो सकता है और भव्य श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ पूरा देश देखा, तो लोगों में विश्वास जगी है। चाहे राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा पर हो या हम कहें कि आर्थिक दृष्टिकोण से जो पूरा विश्व में आज हम भारत 5वें स्थान पर आया है और मोदी जी का इस बार गारंटी है कि हम आने वाला समय में तीसरे कार्यकाल में हम इसको तीसरे स्थान पर लाएंगे, तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था को देखें या यहाँ कृषि क्षेत्र को देखें या यहाँ व्यवसाय रोजगार को देखें तो देश में निश्चित तौर पर काफ़ी लोगों का उत्थान हुआ है और बढ़ा है और लोगों की आय, किसानों की आय दोगुनी हुई है, आम लोगों का आय बढ़ी है। और आप देखें, कोरोना काल में हो चाहे वैक्सीन का बात हो या 80 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को 5 केजी अनाज मुफ्त में देने की बात हो या आयुष्मान भारत कार्ड से जो गरीबों का लोगों का 5 लाख तक इलाज की बात हो या गैस कनेक्शन हो, प्रधानमंत्री आवास हो या शौचालय हो, इस तरह के विभिन्न तरह के जो डायरेक्ट लोगों को लाभ मिला और कोई बिचौलिया नहीं। याद करिए कि जब कांग्रेस के समय में कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ये बोलते थे कि हम यहाँ से भेजते हैं 1 रुपया तो वहाँ 15 पैसा पहुँचता है, 85 पैसा रास्ते में ही खा जाते हैं बिचौलिया लोग कर रहे हैं। लेकिन आज 1 रुपया वहाँ से चलता है तो 1 रुपया यहाँ डायरेक्ट लाभुक को मिलता है। तो ऐसे लाभुक जो लोग हैं वो लोग एकदम माने जिस तरह का यहाँ उबाल है लोगों में, जिस तरह से यहाँ के तमाम जो आदिम जनजाति हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, वो तमाम लोग जो मोदी जी के प्रति जो प्यार और सम्मान देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये सीट इस बार जीत का माने श्रेय माने मोदी जी को जाएगा, उनके गारंटी विकास की गारंटी को और उनके भरोसा पर यहाँ के लोग देने के लिए तैयार हैं। बोला जा रहा है कि मोदी जी हमेशा रोजगार के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। किसकी बात करेंगे, लोग जो विपक्ष के लोग हैं उसका कोई मुद्दा है? आज लोग देख रहा है कि पूरा विश्व के सबसे बड़े लीडर हैं
हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, और इसको पूरा विश्व के बड़े बड़े देश आज भारत से हाथ मिलाने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कई के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आज आप ऑटोग्राफ लेते हैं प्रधानमंत्री जी का, तो प्रधानमंत्री जी जो राष्ट्रीय स्तर पर या जो युवाओं के लिए, व्यवसाय के लिए या यहाँ के उद्योग धंधा के लिए या कहें कि महिलाओं की सुरक्षा के लेकर, महिलाओं के उत्थान को लेकर, गरीब के किसानों का लेकर, MSP को, इस सबको बढ़ाया और इसका आय आज दुगना बढ़ा है, तो लोगों को बढ़ा है। अब लोगों को, उन लोगों को बोलने के कुछ है ही नहीं, क्या बोलेंगे वो लोग, उसका कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तक नहीं है, पता नहीं है कि कौन बनेगा नहीं बनेगा, उन लोगों को भरोसा ही नहीं है। 400 पार का हमारा नारा है, 400 पार करेंगे तो निश्चित तौर पर उन लोगों को लग रहा है 400 पार, बोलो 400 कैसे पार हो सकता है, तो अभी EVM पर अभी ऐसे वो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर 400 पार होगा और फिर से सरकार, तीसरी बार सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। तो सर, झारखंड में UPA के गठबंधन की सरकार है और दोनों पार्टी, चाहे वो JMM की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, दोनों के जो मेन नेता थे वो आज जेल में है, इसका क्या कारण? देखिए, UPA की सरकार रही, UPA में इतना घोटाला हुआ, कोल घोटाला, मैंने बहुत तरह का घोटाला है जिसके नाम गिनाया नहीं जा सकता है, करोड़ों करोड़ों अरबों का घोटाला हुआ और नतीजा हुआ कि लोग UPA से घृणा करने लगे, तो वो लोग अब नाम बदल के ND गठबंधन बनाए, तो ND गठबंधन से लोग तो समझ रहे हैं वही ना, जैसे अब मोर कौवा मोर का पंख लगा लेने से मोर थोड़े बन जाएगा, तो वो ND गठबंधन जो बनाए हैं तो लोगों को विश्वास है कि वही UPA गठबंधन है जो भ्रष्टाचार के लिए, सारे भ्रष्टाचारी, सारे परिवारवाद के लोग, सब लोग एकजुट बन के एक गठबंधन बनाए हैं, किसी तरह अपना ये जो काला धन है या भ्रष्टाचार कर रहा है, या उनको डर है कि आने वाला दिन में मोदी जी न खाएंगे, न खाने देंगे, न किसी को चैन से सोने देंगे, अगर वो इसे भ्रष्टाचारी जो देश के गरीब गुरबा का पैसा लूट कर और अपने परिवार में अपनी संपत्ति बना कर रखना चाहता है, वो इसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वो लोग इस तरह का गठबंधन बनाए हैं और इस तरह का लोगों का बोलना है। तो सर, आपके राजमहल क्षेत्र में खासकर अभी तक जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, तो कई उम्मीदवार यहाँ पे इस बार आए हैं जिसमें कि लोबिन हेमरन, विजय हजदा, तो क्या लगता है कि ये दोनों भाजपा को नुकसान बताया गया? देखिए, हमारे ख्याल से तो यहाँ JMM का जो प्रत्याशी है, जो दो बार से यहाँ रहा है, तो उसके बारे में तो लोगों का काफ़ी निराशा, आक्रोश है, हम क्षेत्र में गए थे और काफ़ी लोगों में आक्रोश देखने को मिला कि वो पहचानते तक नहीं हैं, इसलिए उससे तो हमारी लड़ाई है नहीं, हमारी लड़ाई अगर हो सकती है तो लोबिन हेमरम से हो सकती है, लोबिन हेमरम का कुछ क्षेत्र में, लेकिन हमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो JMM का जो वोट बैंक था उसको, वो तो JMM के विधायक रहे हैं, उनके बदौलत ही विजय हजदा जीतते रहा है, तो हमारे ख्याल से उनसे ही लड़ाई होगी लोबिन हेमरम से। तो झारखंड में सर किसी सीटों पर भाजपा का दबदबा होगा क्या? एकदम 14 की 14 सीट हम जीत रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का 400 पार का नारा है, झारखंड से 100% रिजल्ट मिलेगा माननीय प्रधानमंत्री जी। 28 तारीख को PM मोदी भी यहाँ पे आ रहे हैं चुनावी प्रचार के लिए। हाँ, 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं राजमहल लोकसभा के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, और उसमें लोगों का कल ही से इस कार्यक्रम को बारे में आया है उनका प्रोग्राम, कल ही से लोगों का, वर्कर का इतना रुझान है, इतना लोगों का कहना है कि हम लोग कैसे पहुँच जाए, कैसे एक दिन पहले पहुँच जाए या उस दिन पहुँचे, इस तरह का पूरी तैयारी कर रहे हैं, आम लोग, किसान, मजदूर, नौजवान, यहाँ के आदिवासी सब चाहते हैं कि कैसे हम प्रधानमंत्री को देखें एक झलक, चूँकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह ऐतिहासिक विकास का कार्य जो किए हैं, राष्ट्र को एक सर्वोपरि राष्ट्र बनाए हैं, वैसे स्थिति में उनको देखना चाहता है, सुनना चाहता है उनका। तो आपने देखा कि किस तरह से भाजपा का इस पर कहना है कि सभी सीटों पर, 14 सीटों पर इस पर दबदबा बना रहेगा और इस बार PM मोदी भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजमहल लोकसभा सीट पर आ रहे हैं, जो कि उनका लिट्टीपाड़ा में उनका कार्यक्रम तय किया गया है। तो भाजपा पूरी तरह से अपना सशक्त है और पूरा फील्ड में वो अपना मेहनत कर रही है, इस बार उनका जीत इनका कहना है कि सुनिश्चित है और हम सभी सीटों पर जीत रहे हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे अटल भारत।